हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, क्या आपका भी फेसबुक अकाउंट कुछ इस तरीके से लॉक हो चुका है, योर अकाउंट हैज बीन लॉक, कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड जिससे आप अपना फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो भाई यहां से आपके सामने फेक गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहां पे आपके फेसबुक अकाउंट में गेट स्टार्ट का ऑप्शन जो है शो नहीं हो रहा है, गेट स्टार्ट का बटन शो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं हो पा रहा है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप जो है फेक गेट स्टार्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड यहाँ पे रियल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन ला सकते हैं एंड अपना प्रोसेस को करके अपना फेसबुक अकाउंट आसानी से लॉक कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बताते हैं कि कैसे आप जो है रियल गेट स्टार्ट का ऑप्शन ला सकते हैं एंड अपना फेसबुक इजीली अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट में आपको अपना लॉक अकाउंट आपके क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लेना होगा। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लेना होगा कुछ इस तरीके से एंड ब्राउजर में लॉगिन करने के बाद ऊपर में आपके सामने 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से न्यू टैब पर क्लिक करके एक न्यू टैब बना लेना होगा एंड न्यू टैब बनाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में क्लिक कर देना होगा एंड सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे फेसबुक हेल्प सेंटर टाइप कर लेते हैं एंड फेसबुक हेल्प सेंटर टाइप करने के बाद सर्च कर देना होगा एंड जिससे आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपके सामने फेसबुक हेल्प सेंटर रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम फेसबुक रिकवर योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको जो है फेसबुक हेल्प सेंटर पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जिससे आप फेसबुक हेल्प सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अब आपको करना क्या, यहाँ पे आपके सामने नीचे लॉगिन एंड पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है लॉगिन एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड जिससे आप लॉगिन एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपके सामने जो है लॉगिन इनटू योर अकाउंट चेंज योर पासवर्ड फिक्स ए लॉगिन प्रॉब्लम अपलोडिंग योर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पे आपको फिक्स ए लॉगिन प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जैसे आप फिक्स ए लॉगिन प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे अब आपको जो है रिकवर योर फेसबुक अकाउंट इफ यू कैन लॉगिन का ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको रिकवर योर फेसबुक अकाउंट इफ यू कैन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड उसके बाद यहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना होगा। ठीक है, एंड नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां से आपके सामने वाज दिस हेल्पफुल यस एंड नो दो ऑप्शन आएगा। तो यहां पे आपको नो पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद द सोल्यूशन डज नॉट वर्क पर क्लिक करना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से आपके सामने ऑप्शनल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड जिससे आप अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे सबमिट का बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपका जो है कुछ इस तरीके से फीडबैक सबमिट हो जाएगा, जहाँ से आपके सामने थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट स्टेप करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ऊपर में आपके सामने 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा एंड नीचे आपके सामने पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद सेकंड में रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जिसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ लोडिंग लगा एंड उसके बाद नीचे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गिव अस फीडबैक रिपोर्ट ए प्रॉब्लम फेसबुक ऑन द हेल्प सेंटर। तो यहाँ पे आपको जो है सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा फेसबुक ऑन द हेल्प सेंटर एंड जिससे आप फेसबुक ऑन द हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने गिव अस फीडबैक अबाउट द हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ से आपके सामने योर फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सेम वही अपील कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, एंड कॉपी करके पेस्ट करने के बाद नीचे आपके सामने सेंड का बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जिससे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ से आपके सामने फिर से हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका दोनों स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है एंड दोनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको लगभग
24 से 48 घंटे वेट करना है, ठीक है, 24 से 48 घंटे वेट करना है। एंड 24 से 48 घंटे वेट करने के बाद आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। बट गाइस आपको उसी डिवाइस में लॉगिन करना है जिस डिवाइस में आप पहले अपना फेसबुक अकाउंट यूज करते थे, ठीक है। लॉक होने से पहले जिस भी डिवाइस में, जिस भी ब्राउजर में आप यूज करते थे अपना फेसबुक अकाउंट, उसी डिवाइस में आपको लॉगिन करना है। तो भाई आपका ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो है गेट स्टार्ट का रियल ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप आगे का प्रोसेस करके आप आसानी से अपना फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर पाएंगे। तो गाइज यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।